हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष एक्सक्लूसिव ज्ञानचंद गुप्ता ने खबरें अभी तक से खास बातचीत की और सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई को लेकर बोले ज्ञानचंद गुप्ता, प्रश्नकाल के साथ होगी कार्रवाई की शुरुआत। शून्यकाल में विधायकों को मिलेगा चार चार मिनट बोलने का समय। जहरीली शराब के मुद्दे पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होगी। पहले दिन सदन में जो विधेयक रखे गए थे आज उन पर चर्चा होगी। यौन उत्पीड़न संबंधित मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से होगी। पहले दिन उठा था स्कूली छात्राओं से यौन उत्पीड़न का मामला। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन काफी हंगामा देखने को मिला। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन के दूसरे सत्र में क्या कुछ खास रहेगा, बात करने के लिए हमारे साथ हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता साहब मौजूद है। सर, पहले दिन काफी हंगामा देखने को मिला विधानसभा में, जो दूसरे दिन की कार्रवाई है जो किस तरीके से रह सकती है, आज किस तरीके की कार्रवाई रहने वाली है, क्या कुछ बिजनेस रहेगा? देखिए, आज विधानसभा में सबसे पहले प्रश्नकाल है, उसके पश्चात जीरो आवर है। जीरो आवर का अब की बार हमने चार मिनट का जो समय है वो प्रत्येक सदस्य के लिए किया है। उसके पश्चात कॉल अटेंशन मोशन है। जो शराब के अंदर जो कुछ मौतें हुई थी उन मौतों को लेकर जो कॉल अटेंशन मोशन है, और उसके पश्चात एक विधायी कार्य है, और जो तीन बिल जो शुक्रवार को प्रस्तुत हुए थे उन बिलों के ऊपर चर्चा हो सकती है। आपने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हुआ शराब के मुद्दे पर, जहरीली शराब पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, विपक्ष ने पहले दिन भी कहा था कि उनकी तरफ से काम रोको प्रस्ताव दिया गया था, नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा कि आप उनके काम रोको प्रस्ताव को ध्यानाकर्षण में डाइवर्ट कर देते हैं। नहीं, देखिए, ये कोई प्रथा पहली बार नहीं है। इससे पहले भी चाहे वो कांग्रेस का शासन रहा हो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब मुख्यमंत्री थे, तो 6 बार ये जो कॉल अटेंशन मोशन है, जो काम रोक तो रोको प्रस्ताव है, ये कॉल अटेंशन मोशन में कन्वर्ट हुआ है। इससे पहले आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी के समय भी इस शुरू से ही ये प्रथा रही है कि जो काम रोको प्रस्ताव हैं उनको कॉल अटेंशन मोशन में कन्वर्ट किया जा सकता है, और हम वही प्रथा का निर्वहन कर रहे हैं। सर, पहले दिन की कार्रवाई की बात करें, डिप्टी सीएम साहब और कांग्रेस विधायक गीता फुक्कल में तीखी बहस देखने को मिली, कुछ शब्द बोले गए, उन शब्दों को विधानसभा की कार्रवाई से निकाल दिया गया है। अगर पूरे के पूरे मामले की बात करें, आपकी तरफ से कहा गया है कि हाईकोर्ट के जो सीट के जज हैं उनसे जांच करवाई जाएगी। हाँ, नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि एक विषय बड़ा गंभीर है। एक उप मुख्यमंत्री जी ने कुछ बात कही है जिसके कुछ अर्थ हैं कि किस प्रकार से माननीय सदस्य ने जो उस समय जो बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, या बच्चों के साथ जो स्कूल के अंदर वो चौना के स्कूल के अंदर, हाँ, तो वहाँ ये जो अध्यापक के द्वारा बच्ची का बलात्कार करने की कोशिश या उसको छेड़छाड़ की कोशिश की गई थी, उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप लगे, तो मुझे लगा कि और सभी विपक्ष के जो और सत्ता पक्ष के साथियों का था कि इसकी जांच होनी चाहिए। और फिर जांच का जब विषय आया तो डिप्टी सीएम साहब ने भी कहा कि इसकी, और अन्य कुछ लोगों ने भी, अन्य सदस्यों ने भी कहा कि इसकी जो एक सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए। तो हमने सरकार को लिख दिया है कि सरकार आदरणीय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के माध्यम से इसकी जाँच कराए। आपने शून्यकाल में समय बढ़ाया कि 3-3 मिनट की बजाय 4-4 मिनट विधायक अपनी बात रख सकेंगे, कितनी अब जो बुलंदी से विधायकों को अपनी बात करने का अब ज्यादा मौका मिलेगा? नहीं, देखिए, बात तो ठीक है कि 3 मिनट की बजाय 4 मिनट वो बोल सकेंगे, लेकिन उतना ही सदस्यों की संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि जीरो आवर मीन्स जीरो आवर, 1 घंटे का समय 60 मिनट है, उसको चाहे आप 15 मेंबर बोल लें, चाहे 20 मेंबर बोल लें, चाहे 10 मेंबर बोल लें, समय जो उस समय अगर बढ़ेगा तो सदस्यों की संख्या घटेगी। सदन में कुछ और आज नए विधेयक रखे जाएंगे सर? नए विधेयक पहले दिन की जो रखे थे उनके अलावा नया विधायक कोई और विधेयक कोई और आया नहीं है। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन क्या कुछ खास रहेगा, तमाम मुद्दों पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने खबरें अब तक से खास बातचीत की। कैमरामैन जस्सी के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक।